नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त अनुज गुप्ता फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम मेरी बातचीत में आज हमारे पास हमारे साथ जुड़े हैं नरेंद्र गुप्ता नरेंद्र जी नमस्कार नमस्कार जी नरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया <laughs> ये मेरा सौभाग्य है सर नरेंद्र जी की पहचान नरेंद्र गुप्ता से कम डॉक्टर शालुके से ज्यादा है डॉक्टर शालुके के नाम से इतना प्रसिद्ध है कि सब जगह डॉक्टर साहब ही बोला जाता है तो सर आपका सपना था डॉक्टर साहब बनने का मतलब बचपन में आपने सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा या घर वालों ने सोचा था कि डॉक्टर बनेंगे आप मेरा सपना तो था कि नहीं था लेकिन मेरी माता जी का जरूर सपना था वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं एक बिजनेस कम्युनिटी से आता हूं बिजनेस क्लास फैमिली से आता हूं और बाकी मेरे जितने भी बड़े ब्रदर्स हैं वो सब बिजनेस किया करते हैं लेकिन मैं उस वक्त पढ़ने में मेरे घर वालों को लगता था कि मैं थोड़ा होशियार हूँ तो मेरी माता जी ने सोचा था कि इस बच्चे को हम अपना परिवार का एक अलग बच्चा है इसको हम डॉक्टर बनाएंगे क्योंकि मैं सबसे छोटा था तो मेरे माँ का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ लेकिन हुआ ये कि मैं जब तक कॉलेज में पहुंचता मेरे को कुछ थिएटर का इसका चस्का लग गया और कॉलेज तक जाते जाते मैं साइंस से थोड़ा दूर हो गया मैं आर्ट की किताबें पढ़ने लग गया मैं लिटरेचर पढ़ने लग गया पढ़ना होता था मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और पढ़ता था मैं मुंशी प्रेमचंद को तो मेरी माँ का सपना उन्हें टूटता हुआ नजर आया जो कि एक दिन वाकई धराशाही हो गया जब मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं बी किसी तरह आ, मैं डॉक्टरी नहीं करूंगा और मैं बिजनेस में भी नहीं जाऊंगा मैं थिएटर करूंगा तो वो सपना उनका एकदम धराशायी हो गया लेकिन किसे पता था कि इतने वर्षों के बाद मैं एक्टिंग करते हुए भी डॉक्टर के नाम से ही प्रचलित होगा ये मेरी माँ को पसंद पता नहीं पूरी दुनिया आपको डॉक्टर के नाम से जानती है डॉक्टर साहब की कभी मैं अपने जिक्र कर देता हूँ कि नरेंद्र जी मेरे मित्र हैं और हाँ। नरेंद्र जी से मेरी इस तरह से बात की नरेंद्र जी कौन तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है फिर मुझे ये लाना पड़ता है कि डॉक्टर सालू के हाँ तो डॉक्टर सालु के अरे क्या बात कर रहे हो आप उनके <laughs> मतलब डॉक्टर सालु के से आपका तुरंत कनेक्ट कर दिया जाता है हाँ। तो अभी तो उनको बहुत खुशी होती होगी कि आप डॉक्टर के नाम से फेमस है और कहीं पे भी जाएं तो आप मार्केट में भी जाते होंगे डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब अनुज जी मेरी माँ तो अब संसार में है नहीं एक अरसा हुआ उन, उनका देहांत हो गया जी, 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 लेकिन मैं आपको बताऊ इसके पीछे भी एक कहानी है मैं जब बंबई आया तो मुझे सबसे पहला जो सीरियल मिला वो था एक बहुत पहले एक सीरियल बना था एट्टी नाइन नाइनटी में लाइफ लाइन जीवन रेखा जी जी बिल्कुल बिल्कुल मेरे को हल्का हाँ। वल्का मुझे भी याद हाँ। है लाइफ लाइन बिल्कुल एट्टी में बना था वो और वो डॉक्टर्स की लाइफ पर ही था और मुझे मेरे सीरियल का सीरियल जीवन का सबसे पहला जो रोल मिला था बम्बई में आते ही वो एक डॉक्टर का ही रोल था और मैं जब वो रोल करने के बाद घर आया तो मेरे आंखों के आगे मेरी माँ दिखाई दे रही थी मुझे और जब मेरा एपिसोड टेलीविजन पे आने वाला था उन दिनों सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था जब टेलीविजन पे आने वाला था तो मैंने मेरी माँ को बॉम्बे से फोन किया जयपुर कि मेरा आज एक एपिसोड टेलीविजन पे आने वाला है मेरा सीरियल शुरू हुआ है तो तुम उसे देखना मेरी माँ टेलीविजन ज्यादा नहीं देखा करती थी वो अपने कृष्ण भक्ति में ही लीन रहती थी मैंने जब बहुत उनसे कहा तो कहा अच्छा मैं देख लूंगी जब सीरियल एपिसोड खत्म हो गया तो मैंने दोबारा उनको फोन किया मैंने पूछा अम्बा देखा तो मेरी माँ का पहला सेंटेंस ये था हाँ देखा ऐसे नहीं तो वैसे तू डॉक्टर तो बन ही गया क्योंकि उस सीरियल में मेरा डॉक्टर का रोल तो था मतलब आपने उनका सपना जो है वो 89 में पूरा कर दिया कि घटित होते हुए उन्होंने देखा हिंदी बहुत अच्छी है नरेंद्र जी जब भी मेरी आपसे बात होती है तो मुझे ये लगता है कि आप एक्टर नहीं होते तो शायद हिंदी के अध्यापक या प्रोफेसर होते हिंदी में आपकी रुचि कैसी रही? नहीं हिंदी की रुचि मेरी इस तरह से कि एक तो हम हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से आते हैं मेरे पिताजी यूपी से माइग्रेट जयपुर आए थे हम जयपुर में ही रहते थे मेरा मेरी पैदाइश जयपुर में हुई दूसरा मैंने हिंदी थिएटर ज्वाइन किया मैं हिंदी में रंगमंच करता था तो मेरा अभी भी मानना यह है कि जिस भाषा में आप काम करते हैं उस भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए दो और दो मेरी होना हाँ और जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं साइंस की किताबों की जगह अपने दसवीं क्लास में सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन में भी मैं मुंशी प्रेमचंद को पढ़ता था यहाँ तक हुआ कि मैं मैं मोहन राकेश का एक नाटक था आषाढ़ का एक दिन नाटक है आज मोहन राकेश ने लिखा है आषाढ़ का एक दिन मेरी सिस्टर की एक फ्रेंड थी जो एम कर रही थी हिंदी में और मैं उन दिनों तो फर्स्ट ईयर मैं उन दिनों फर्स्ट ईयर कर रहा था साइंस में और मैंने उनसे पूछा आपके हिंदी में क्या है तो बोले हमारे एक 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 हिंदी में एक प्ले है का एक दिन। अरे मैंने कहा वो तो मैंने पढ़ा हुआ है और आप यकीन नहीं मानेंगे वो एम की विद्यार्थी को मैं जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट ईयर में साइंस में था उसने आषाढ़ का एक दिन उनको समझाया उनको पढ़ाया <laughs> तो मेरा मेरी रुचि सदा से थिएटर में और हिंदी में इस तरीके से रही है तो जो जिसका ये मानना हो कि जिस भाषा में आप काम करते हैं उस भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए इसलिए मैंने अपनी भाषा को और ज्यादा सुदृढ़ किया क्योंकि मुझे बहुत कोफ होती है बड़ा बुरा लगता है जब बहुत सारे लोग काम करते हैं हिंदी में लेकिन लिखते पढ़ते सब कुछ अंग्रेजी में है अंग्रेजी मैंने उने... सुना है कि सर जो बॉलीवुड में या आपके टेलीविजन में कि जो डायलॉग लिखे जाते हैं वो भी रोमन हिंदी में लिखे जाते हैं रोमन हिंदी में लिखे जाते हैं और एक्टर्स अधिकतर उनको खुद पढ़ते भी नहीं है वो असिस्टेंट डायरेक्टर को कहते हैं कि अच्छा तुम पढ़ के सुना दो और उसमें जो कठिन अच्छा। शब्द होते हैं कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कि, जिनकी हिंदी अच्छी नहीं होती है तो वो उन शब्दों को बदल देते हैं क्यों क्योंकि उनको वो शब्द बोलना उच्चारित कर, कर पाते हैं प्रोनाउंस उच्चारित नहीं कर पाते या उसका अर्थ ही समझ में नहीं आता है मेरा उन लोगों से सबसे सदा से कहना है कि भाई आप बड़े अच्छे अभिनेता हो सकते हो लेकिन आपको अपनी भाषा का ज्ञान होना चाहिए आप देखिए अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन साहब उनकी भाषा देखिए सर उनकी जो भाषा पकड़ है आपको एक और बात बताऊं मैं लता मंगेशकर पूरी दुनिया उन्हें मानती है मेरे उनसे थोड़े संबंध हैं अच्छे संबंध हैं उनसे बातचीत होती रहती है तो मैंने एक दिन उनसे पूछा दीदी आपका इतना अच्छा उच्चारण कैसे है उर्दू के शब्द हो चाहे हिंदी के शब्द हो आप एकदम सही उच्चारण करती तो दीदी का जवाब था कि देखो मैं मुझे फिल्म जगत में गाना गाना था वहां पर उर्दू की गजलें भी आती थी हिंदी के गाने भी आते थे अगर मैं अपना उच्चारण मराठी रखती तो कोई मुझे पसंद नहीं करता इसलिए उन्होंने उस्ताद रख के गुरु रख के भाषा का उच्चारण ठीक किया इसको कहते हैं कला के प्रति अपना डेडिकेशन और का, बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो का और जो डेडिकेशन सर पहले था क्या आपको लगता है सर इंडस्ट्री में इस समय है वो चीजें जो इस समय आप ये करंट केस की बात करूं सुशांत वाले केस की मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन जो नेपोटिज्म और ये सब जो चल रहा है इस तरह क्या कहना चाहोगे सर आप इसके बारे में देखिए दोनों तरह की दुनिया है कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी पूरे डेडिकेशन के साथ काम करते हैं क्योंकि मैं हूँ मेरे, तो हाँ, मेरे जैसे और भी मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो डेडिकेशन के साथ काम करते हैं लेकिन क्या है आप हमारे समाज की रचना को देखिए हर किसी को हर कुछ बहुत जल्दी चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए इनकी इसके लिए उनके पास प्रैक्टिस करने का डेडिकेशन का कोई टाइम नहीं है सब कुछ इंस्टेंट चाहिए गए और शूट किया और जेब में माल आ गया और दुनिया ने हमको देख लिया और हम प्रसिद्ध हो गए ये सब कुछ हो जाना चाहिए इसलिए वो डेडिकेशन कम होता जा रहा है क्योंकि हमारे अपने निजी जीवन में भी डेडिकेशन कम हो रहा है हम अपने घर वालों के प्रति डेडिकेटेड नहीं है हम अपने परिवार के प्रति डेडिकेटेड नहीं है हम अपने काम के प्रति डेडिकेटेड नहीं है हम अपने समाज के प्रति डेडिकेटेड नहीं है हम अपने राष्ट्र के प्रति डेडिकेटेड नहीं है तो सब तो. सब कुछ हो रहा है और जहां तक बात है नेपोटिज्म की हाँ नेपोटिज्म है लेकिन अब वही वाली बात है कि कहीं कहीं नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है कहीं कहीं नेपोटिज्म कम है कहीं कहीं नेपोटिज्म बहुत ज्यादा दिखाई देता है आई एम श्योर हर फील्ड में नेपोटिज्म होता होगा

देखिए राजा का बेटा राजा तो बन सकता है लेकिन अकल होगी तभी चलेगा और आप, आप देख नरेंद्र जी आपने राजा का बेटा मेरे लिए एक बड़ा दी कि राजा <laughs> का बेटा राजा बनेगा बट अकल होगी तो आगे चलेगा <laughs> तो आगे चलेगा आ, बन, बन सकता है बन सकता तो है मुझे आप लिखते भी हैं सर लिखते भी हैं आप कभी भी हैं नहीं लेखक है हाँ मैं लेखक हूँ मतलब लेखक अपने आप अपने आप को नहीं कहता लेकिन लिखना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैंने लेखन की शुरुआत इसलिए की थी कि एक एक्टर को अपने आप को अभिव्यक्त करना आना चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए और जब वो एक्सप्रेस करेगा तभी उसकी चीजें समझ में आएंगी तो इसलिए एक्सप्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका मुझे लगा कि मैं अपने विचारों को लिखूं, लिखू. और विचारों को लिखूं ऐसे करते करते मैंने कुछ प्रैक्टिस की मैंने एक प्ले भी लिखा मेरे एक दोस्त के साथ अच्छा। मिलकर के और अभी इस कोरोना के बंद के के बंद दौरान दौरान लॉकडाउन भी मैंने एक प्ले लिखा है वो अच्छा। अभी मैंने, सर वो अभी मैंने... जी आपने बताया नहीं है मुझे <laughs> नहीं वो अभी अभी, अभी अभी लिखा ही है तो अभी फर्स्ट ड्राफ्ट है उसका और एक एक विजय दान के हमारे राजस्थान के बहुत प्रचलित बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए हैं उनकी राजस्थानी एक कहानी है उसको भी मैंने ड्रामेटाइज किया उस पर नाटक लिखा है ऐसे दो नाटक मैंने अभी लिखे हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ कविताएं लिख देता हूँ कुछ शेर व शायरी कर देता हूँ हाँ पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है कविताएं पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है उर्दू की गजलें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है इसलिए अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाता हूं क्योंकि वो सारी चीजें मुझे पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है तो इसलिए कह सकते हो आपके यहाँ लिखने का मुझे थोड़ा शौक है अच्छा लगता है तो सर, एक तो जी, सबसे बड़ा आपको रिकॉर्ड रहा है कि एक आ, सबसे लंबा सीरियल रहा है सीआईडी मेरे ख्याल से भारतीय इतिहास का जी सर भारतीय इतिहास का सबसे लंबा सीरियल रहा है बाईस साल तक वो सीरियल चला है अपने आप में एक बहुत बड़ी एक पहचान इसका, सक... इसका विश्व रिकॉर्ड भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि बाईस साल चल रहा एक बात है इसकी दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बाईस साल तक जो मुख्य अभिनेता है पांच वो शुरू से आखिर तक बड़ी वही है जो शुरू से आ... और ये एक मिसाल है अपने आप में डेडिकेशन की हम लोगों ने बहुत सारे काम सिर्फ इस एक शो के लिए छोड़े होंगे आप सोचिए 22 साल तक एक शो के साथ जुड़े रहना प्रोड्यूसर का हम लोगों के प्रति प्रेम हम लोगों का अपने काम के अपने सीरियल के प्रति अपने प्रोड्यूसर के प्रति डेडिकेशन अपने प्रोड्यूसर के प्रति प्रेम ये सब कुछ जब मिलता है तो 22 साल तक एक सीरियल चल सकता है ये हम लोगों ने साबित किया जो बहुत पांचों की पांचों की दोस्ती होगी बहुत हाँ दोस्ती है खूब अच्छी दोस्ती है खूब हंसी मजाक होती है पांचों के घर में मुझे लग रहा है कि जिनमें से चार के घर में तो दरवाजे भी नहीं होंगे <laughs> क्यों क्योंकि सर दरवाजे लगवाओगे तो वो टूटते रहते होंगे कि दया तो बिना <laughs> उड़े तो एंट्री करेगा नहीं <laughs> हाँ ये बात वैसे आपकी सही है लेकिन द... हम लोगों को दरवाजे खोलने की आदत हो गई है क्योंकि हमको पता होता है कि दया आने वाला है और वो कुछ <laughs> दरवाजे तो <laughs> कहते ना कि <के... laughs> कुछ जगह तो छोड़ देते हैं तो वो दया हमारे दरवाजे छोड़ देता है तोड़ देता है हाँ, दे अधिकतर वो अपराधियों के दरवाजे तोड़ता है आजकल सर आपके मेम बहुत बन रहे हैं कि सुशांत केस में यदि आप होते तो अभी तक केस सॉल्व कर चुके होते हाँ नहीं इससे पहले भी और मेम्स बने जैसे कोरोना आया लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे मेम्स बने कि अगर डॉक्टर सालू के सी में काम करा अगर सीआईडी चल रहा होता डॉक्टर सालू के अब तक कोई ना कोई वैक्सीन निकाल देता निकाल नहीं हाँ आप बिलीव नहीं करेंगे मेरे पास लगातार मैसेज आते हैं व्हाट्सअप पे आते हैं ट्विटर पे आते हैं फेसबुक पे आते हैं सर कोई ना कोई वैक्सीन तो निकाल दो सालों के साथ <laughs> अब मैं सिर्फ हंसता हूँ और खुश भी होता हूँ कि एक करेक्टर कितना पॉपुलर है कितना लोग उससे प्यार करते हैं और अब मैं आपको बताऊं एक एक न्यूज चैनल है बहुत बड़ा न्यूज चैनल है मैं उसका नाम नहीं लूंगा जी जी अंग्रेजी का न्यूज चैनल है जो सुशांत सिंह के, के केस को बहुत जबरदस्त तरीके से परस्यू कर रहा है ही उनका ही। मेरे पास फोन आया कि सर आपने तो इतना लंबा फॉरेंसिक एक्सपर्ट का काम किया है मैंने कहा भाई किया तो है, है। तो सर आपको इसमें काफी सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी मैंने कहा हाँ दे रही है क्योंकि बाईस साल वाकई अनुज जी ये बात है कि बाईस साल करते करते मुझे वाकई अब चीजों को उस दृष्टिकोण से देखने की आदत हो गई देखने की आदत पड़ गई है। हाँ मुझे जब मैं न्यूज सुनता हूँ तब भी मैं अपने आप मैंने सवाल करता हूँ तो हाँ, तो उसने मेरे से कहा सर आप हमारे न्यूज चैनल पे लाइव आकर के बात करेंगे तब मैंने उससे कहा भाई देखो मुझे लाइव आने का कोई शौक नहीं है मैं अपने घर में खुश हूं मैं इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं एक अभिनेता yes, 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 yes. पर उसने कहा नहीं सर लेकिन आपको तो इतना ज्ञान है जितना आप बता रहे हैं। उसे तो लगता है कि वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी इतना नहीं सोच रहे जितना आप सोच रहे मेरे ये अपने अपनी उसकी बात है लेकिन लोगों का विश्वास देखिए आप इतना जबरदस्त है और मेरे आज... बिल्कुल विश्वास है की आज सीआईडी की टीम पूरी <laughs> स्टेज पे लगी होती तो कब का सॉल्व हो जाता है कुछ तो गड़बड़ है अब ये ये हमारे लिए एक उसकी बात है खुशी की बात है कि लोग हम पर कितना एतबार करते हैं कितना हमको प्यार करते हैं ये उसकी बात है बाकी तो जो पुलिस काम कर सकती है जो रियल फॉरेंसिक एक्सपर्ट काम कर सकती है। लेकिन हाँ आपको मैं बताऊ मैंने अपने जीवन में असली फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ भी काम किया है सी आई डी में अच्छा हाँ अच्छा, जब CID शुरू में ही, में ही, जब शुरू का एपिसोड आया था तो मुझे ट्रेनिंग देने के लिए हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने एक रियल सी फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया था मैं उनके साथ काम करता था ताकि ये पता लगा सकूं कि किस तरीके से काम करते हैं किस तरीके से बिहेव करते हैं तो मैं उन फॉरेंसिक एक्सपर्ट साहब के साथ पाँच छह दिन सात दिन रहा उनको काम करते हुए देखा उसके बाद से ये सब कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा है जो भगवान जाने लेकिन ये, ये आज आपने अपना राज बताया है लोगों को मेरे दर्शकों को पता चलेगा कि इस तरह से आपने भी वहां पे काम सीखा है खाली एक्टिंग नहीं की है

शॉर्टकट में उसे डॉक्टर सालू के बोल देते हैं बट ही इज एन फॉरेंसिक एक्सपर्ट वो इज अ क्वाइट डिफरेंट बहुत अलग है दोनों चीजें तो मुझे उस टाइम पता ही नहीं था तो जब क्योंकि पता नहीं था तो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर की जान पहचान थी ये बहुत रिनाउंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट से तो उनको बुलाया गया उनको वो एपिसोड भी बताया गया कि ये कहानी है इस तरीके से हम करना चाहते हैं तो उन्होंने मुझे समझाया फिर जाके मैंने तो अभी नरेंद्र जी ये बताइए कि जो टीवी है एक तरह से साइड में ही हो गया है जो चैनल आते थे किसी समय दूरदर्शन था दूरदर्शन की जगह उठा के सैटेलाइट में ले ली अलग अलग चैनल आ गए चैनल पे सीरियल आ गए अभी वो सीरियल भी थोड़ा सा टीआरपी और ये सब जीते केवल मुझे लगता है कि न्यूज चैनल चल रहे हैं या फिर वेब सीरीज चल रही है जो वेब सीरीज इस समय चल रही है और उसमें जो तो लिमिट क्रॉस कर दी जाती है किसी भी चीज की चाहे वो हिंसा की बात करें या किसी भी चीज की बात हाँ। करूँ लिमिट क्रॉस करके दिखाया जाता है उसमें आप उसको कहाँ तक सही मानते हैं और क्या उससे बच्चों के मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है नहीं मैं साफ शब्दों में आप अगर आपसे कहूं तो मैं इसको बिल्कुल उचित नहीं मानता क्योंकि स्वतंत्रता एक चीज होती है और स्वच्छंदता दूसरी चीज होती है ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते करते अचानक एनार्की करने लगते हैं स्वच्छंदता करने लगते इसका कहीं ना कहीं तो रुकाव होना चाहिए क्या हम अपने दिलों पर हाथ रख के कह सकते हैं कि हम पूरा परिवार बैठ करके के एक वेब सीरीज को आसानी से देख सकता है नहीं, मेरा बिल्कुल नहीं, मेरा पिछहत्तर परसेंट जवाब होता है नहीं ये संभव नहीं है नहीं। बिल्कुल नहीं संभव नहीं। आप बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं आप अपने मोबाइल पे देखिए तो मोबाइल पे तो ये तो वही वाली बात हुई कि एक टाइम था जब आप बाथरूम में घुस करके एक किताब पढ़ा करते थे तो फिर ये तो उसी उसी दिशा में लेकर के जा रहे हो आप हमको कि आप चुपचाप अपने मोबाइल पे अपने माँ बाप से छुप करके अपने भाई बहनों से छुप करके मोबाइल पे कुछ भी देख रहे हो इतनी चोरी कला में क्यों इतना छुपाव कला में क्यों आज भी क्या ये सब जो लिखा जाता है मैं सबको दोष नहीं देता हूं लेकिन अब तो कहने को ये होता है तो कुछ लेकिन, लेकिन लेकिन वही उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं अच्छा है। होता क्या है कि जब एक इस तरीके का वेब सीरीज चल जाता है किसी भी वजह से तो बाकी को लगता है कि ये मसाला है जिससे हम अपने आप को बेच सकते हैं तो ये सेलेबल हो जाता है वही आइटम सेलेबल हो जाता है मेरा सिर्फ मानना ये है कि आप अपने आप को इतना एजुकेट करें कि आप कला के क्षेत्र में हैं चाहे आप वेब सीरीज बना रहे हैं चाहे आप दूरदर्शन पे सीरियल बना रहे हैं चाहे आप फिल्म बना रहे हैं आपका काम एक रुकावट के एक एक लिमिट के साथ होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस क्या है कौन सी है उसके लिए आप ये सारी चीजें बनाए तो थोड़ा सा तो समझदारी होनी चाहिए ये जो आजकल जितनी हिंसा और अननेसेसरी है मतलब मैंने कई वेब सीरीज खुदने देखे जहां मैंने अपने आप से सवाल किया कि अगर इसमें से मैं ये हिंसा निकाल दू तो क्या ये सीरीज बन सकती है मुझे लगता है 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 बन सकती है. कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां पर वो हिंसा करना जरूरी होता है, लेकिन उसको भी कितने आर्टिस्टिक तरीके से आप प्रोजेक्ट करें अब मैं आपको बताऊं 22 साल हमने एक क्राइम सीरीज की क्राइम सीरीज में भी मैं दावे से कह सकता हूं 22 साल में एक एपिसोड कोई ये नहीं बता सकता है कि इसमें हिंसा थी या इसमें सेक्स था या इसमें कुछ ऐसा था जो परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते तो फिर जब वो चल जानता हूँ सर कि एक थप्पड़ लगता था या तो दया का या किसी का बस, और सीधा या तो आपकी लैब में पड़ा होता था या फिर वो अंदर पड़ा होता बस, था और उससे ज़्यादा कुछ नहीं क्योंकि लोगों को पता चल गया कि यार इसके साथ कुछ ठुकाई पिटाई हुई है ये सच बोलने लग गया अब उसको दिखाने की क्या जरूरत है सच्चाई को आंख आंख में उंगली घुसेड़ के सच्चाई को दिखाने की जरूरत नहीं है आपका आपकी ऑडियंस समझदार है आपका दर्शक समझता है एक हवा में हाथ घूमा उसने समझ लिया कि अब इसकी ठुकाई हो बस इस जरूरत से ज्यादा मारपीट करने की और यहाँ खून दिखाओ और घाव दिखाओ उसको ऐसा कर देते हैं कि मतलब आपको देखना मुश्किल हो जाता है वो ठीक नहीं है हमारे भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा था एक रस होता है जुगुप्सा जो आपको घृणा पैदा करता है उसका उसका वर, वो वर्जित है स्टेज पे भी और दिखाने में भी वो भाव जुगुप्सा का भाव जिससे ग्रना उत्पन ग्रना हो उसको, हो अपने उसको कम से कम जब तक जरूरी नहीं हो तब तक नहीं दिखाया जाना चाहिए प्रेमचंद आज भी रेलेवेंट है कोई क्यों नहीं मुंशी प्रेमचंद को बनाता है क्यों तो आप तो खामा तो। खामे इस तरीके के सीरे लेकिन क्या है आजकल ये हो गया कि इसकी टीआरपी ज्यादा है या ये ज्यादा नहीं देखिए जब जब समाज में आपके आर्ट एंड कल्चर को साबुन तेल कंगी बेचने वाले कंट्रोल करने लगते हैं तो ये सारी मुसीबतें झेलनी पड़ती है और इसका विरोध होना ही चाहिए जो होगा एक टाइम आएगा जब इसका विरोध होगा मुझे नहीं लगता कि सर क्या होगा लोग इंतजार करते हैं उसके सीजन टू का कि सीजन टू कब आएगा और इससे ज्यादा हिंसा उसमें होगी और मैं वो हिंसा फिर देखूंगा उसका कारण है उसका कारण यह है अनुजी कि काफी सारे लोगों के अंदर जो दबी हुई प्रवृत्ति होती है, है ना वो जब पर्दे पे घटित होते देखते हैं तो आपको खुशी मिलती है बहुत सारे लोग इस तरीके मिजाज के लोग होते हैं जिनको ये सब चीजें अच्छी लगती है इसलिए वो जब पर्दे पे जो खुद नहीं कर सकते वो पर्दे पे होते देखते हैं तो उनको संतुष्टि मिलती है लेकिन मेरा मानना यह है कि आज भी हिंदुस्तान में 60 या 70 प्रतिशत लोग ऐसे होंगे जो एक स्वच्छ और अच्छा मनोरंजन देखना चाहेंगे देखना एक अच्छी कहानी देखना चाहेंगे हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वो विचारधारा सभी के अंदर आए हाँ। वैसे ही वेब सीरीज बने टीवी के प्रोग्राम बने हाँ। फिल्में बने तो वही चीजें लोग देखें अभी लॉकडाउन के दौरान जब 22 साल सीआईडी चल सकता है तो क्यों नहीं बन सकता बाईस साल सीआईडी चला उसके अलावा अभी लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन ने जब रामायण और महाभारत आप देखिए क्या लोगों ने पसंद सबसे ज्यादा टीआरपी क्यों आई उस